दोस्तों नमस्कार। 19 दिसंबर को दुबई में आईपीएल 2024 की नीलामी होने जा रही है, जिसमें कई खिलाड़ियों पर बोली लगाने के लिए फ्रेंचाइजियों के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। पिछले बार की तरह ही इस बार भी युवा खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी जमकर पैसों की बरसात करती हुई देख सकती है। आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में अभी तक कई ऐसे युवा क्रिकेटर भी रहे हैं जिन पर फ्रेंचाइजियों ने दिल खोलकर पैसों की बरसात की थी। आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब आईपीएल की नीलामी भारत से बाहर होने जा रही है। नंबर 1 मुजीब उर रहमान। सूची में पहले नंबर पर हैं मुजीब उर रहमान का नाम, जिन्हें आईपीएल ऑक्शन 2018 में पंजाब किंग्स ने 4 करोड़ रुपए में खरीदा था। उस समय मुजीब की उम्र 16 साल 9 महीने और 30 दिन थी। नंबर 2 प्रयास राय बर्मन। इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं प्रयास राय बर्मन, जिनको आईपीएल ऑक्शन 2019 में आरसीबी ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। उस समय प्रयास की उम्र 17 साल 1 महीना और 24 दिन की थी। नंबर 3 सरफराज खान। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं सरफराज खान, जिन्हें आईपीएल ऑक्शन 2015 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 50 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। उस समय सरफराज 17 साल 3 महीने और 25 दिन की उम्र के थे। नंबर 4 अभिषेक शर्मा। लिस्ट में चौथे नंबर पर है अभिषेक शर्मा का नाम, जिन्हें साल 2018 आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 55 लाख रुपए में खरीदा था। इस दौरान अभिषेक की उम्र 17 साल 4 महीने और 23 दिन थी। नंबर 5 रियान पराग। लिस्ट में पांचवें नंबर पर है रियान पराग का नाम, जिन्हें साल 2019 आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा था। इस दौरान रियान 18 साल 1 महीने और 8 दिन के थे। दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।